या तो कंपनी ने, मुझे ऐसा लगता है, डिस्काउंट तो दे दिया लेकिन कुछ फीचर्स कम कर दिए इस गाड़ी में से। टाटा मोटर्स सुधर जाओ। मैं ये भी बताऊंगा कहां से लेने पे आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस और जल्दी से जल्दी डिलीवरी मिल जाएगी। टाटा नेक्सॉन का प्योर एस वेरिएंट एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और इसकी सबसे जी बेनिफिट पता है कि अभी क्या चल रहा है, टाटा नेक्सॉन पे चल रहे हैं फ्लैट 1 लाख तक के डिस्काउंट्स। हर वेरिएंट का अलग अलग है, ये वेरिएंट जैसे प्योर एस है इसमें आपको सारे फीचर्स तो मिल ही जाते हैं, जैसे कि LED DRLs है, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप है, साथ में आपको सनरूफ भी मिल रही है, रूफ रेल्स हैं, इंटीरियर का डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया और साथ में और भी बहुत सारे फीचर्स। बट बेस्ट पार्ट इज द प्राइस, 10.29 लाख के शोरूम प्राइस पर ये पहले अवेलेबल था, अब 40,000 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट, अब होगी इसकी प्राइस 9.89 लाख। अब इस प्राइस पर डेफिनेटली ये बहुत सॉलिड चीज़ हो जाती है बिकॉज 1.2 लीटर का नया आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और अगेन रिफाइनमेंट मिल जाती है 6 स्पीड होने की वजह से। हाँ थोड़ी सी वाइब्रेशंस फिर भी रह जाती हैं बट 3 सिलेंडर की वजह से है ना वो तो, लेकिन टर्बो की नॉइस भी है, अच्छी लगती है कईयों को। लेकिन इस वेरिएंट में अब खास क्या है, क्या ये वेरिएंट लेने चाहिए या फिर कोई और 1 लाख का डिस्काउंट किस पे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं ये भी बताऊंगा कहां से लेने पे आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस और जल्दी से जल्दी डिलीवरी मिल जाएगी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड, मेरा नाम ऋषभ एंड दिस इज द ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन प्योर एस वेरिएंट। अब प्योर एस वेरिएंट की नई 9.89 लाख की शोरूम प्राइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, 30 जून तक ये ऑफर वैलिड है, फटाफट से बुक करवा लो। शुरू करते हैं इसके लुक्स में, अब मिलता क्या क्या है। LED DRLs प्रॉपर मिलेंगे, टाटा का नया वाला लोगो है, ब्लैकड आउट आपको क्लोज्ड ग्रिल का डिज़ाइन मिलेगा, नीचे ज़्यादा ओपन है, ऊपर से क्लोज रखी गई है, काफ़ी बड़ी चंकियर है, रेडिएटर साफ नज़र आता है, पीछे गिरने वाला था अभी। LED प्रोजेक्टर आपको हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, नीचे फॉग लैम्प्स नहीं है, अपर वेरिएंट्स के लिए हैं, बट यहाँ पर प्रोजेक्टर सेटअप डेफिनेटली हर किसी को पसंद आएगा, दिखने में ये ऑन जब हो जाते हैं रात को बहुत ही अच्छी लुक मिलती है, ऐसा फील कराती है कि टॉप वेरिएंट है। अब टॉप वेरिएंट है नहीं, उसका रीज़न एक और मिल जाता है कि आपको प्रॉपर व्हील्स नहीं मिलते हैं यहाँ पर, यानी कि अलॉयज नहीं मिलते, 16 इंचेस के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर है। अगर इसे लोअर वेरिएंट यानी कि स्मार्ट सीरीज़ लेते हो तब आप वहाँ पर आपको नहीं मिलते प्रॉपर ये व्हील कवर्स, बट यहाँ पर एटलीस्ट मिल रहे हैं। ब्रिजस्टोन की सीरीज़ है, 195 का है ना सेक्शन, हाँ 195/60R16 के आपको व्हील्स देखने को मिलेंगे, क्लैडिंग मिल जाएगी, SUV लुक मिले। हाँ इसमें कलर कौन से आते हैं यहाँ पर सारे मेंशन आपके लिए कर देता हूँ। अच्छी चीज़ पता है क्या, टाटा की अब मोस्टली सारी गाड़ियों में 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलने लग गई है, पहले कम होती थी, अब कंपनी ने स्टैंडर्ड कर दिया तो वो बहुत अच्छी चीज़ की। LED आपको मिल जाते हैं इसके ORVM के ऊपर, टर्न इंडिकेटर, ब्लैकड आउट आपको मिल जाते हैं, लुक्स वेरी वेरी नाइस, थोड़ी फील देता है कि मैंने अपर वेरिएंट लिया। प्रॉपर आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, ए पिलर ब्लैकड आउट रखा गया, ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगता है। ड्यूल टोन ट्रीटमेंट भी आपको आई थिंक प्योर से मिलते हैं ना, हाँ प्योर में है ड्यूल टोन, उसके साथ साथ रूफ रेल्स है सिल्वर फिनिशिंग के साथ, फंक्शनल नहीं है बट दिखने में काफ़ी ज़्यादा SUV वाली लुक आपको प्रोवाइड कर देते हैं। हाई ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ साथ क्लैडिंग पूरी साइड पे भी प्रोवाइडेड है, ग्राउंड क्लीयरेंस ज़्यादा होने से अगेन SUV वाली लुक आ जाती है। ब्लैकड आउट आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे, ये थोड़े से बुरे लगते हैं, ये क्रिएटिव वेरिएंट है, जैसे कि ये वाला क्रिएटिव प्लस एस है आई थिंक, इसमें आपको बॉडी कलर मिलते हैं, ORVMs कह रहा हूँ, व्हाट यू कॉल दिस, डोर हैंडल्स, यहाँ पर आपको ब्लैकड आउट ही मिलेंगे। पीछे तक आते आते थोड़े से डिज़ाइन स्लोपिंग होता रह जाता है स्पेशली ग्लासेस में, पीछे अनफॉर्चुनेटली ड्रम ब्रेक्स ही हैं, आगे तो डिस्क ब्रेक मिलती है बट पिछले टायर्स में ड्रम ब्रेक ही मिलेंगी, चाहे टॉप वेरिएंट क्यों ना ले लो वहाँ पर भी ड्रम ब्रेक है। रूफ रेल्स का डिज़ाइन नो डाउट अच्छा लगता है, शार्क फिन एंटीना भी है, आओ आपको पीछे से दिखाता हूँ। अब एक चीज़ का डाउट मुझे हो रहा है, ब्रोशर में साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर आपको X-Factor LED मिल जाती है बट ये कनेक्टेड तो नहीं लग रही। एनीवेज LED आपको टेल लैम्प ज़रूर मिलते हैं साइड पर नज़र आ रहे हैं, ये मुझे कंफर्म करके मैं यहाँ पर लिख दूँ या एटलीस्ट ब्रोशर की फोटो आपको लगा देता हूँ। इसकी लाइट और ऑन हो जाती है, इधर आपको रिवर्स लाइट रिफ्लेक्टर भी मिल जाएंगी, साथ में आपको मिल जाते हैं प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स 2। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो किसी तरह का कोई बटन नहीं है इसको ओपन करने के लिए, यहाँ तो चाबी से होगा या आगे से होगा, तो बूट स्पेस आपको आगे से ही ओपन करनी पड़ेगी। रुको दिखा देते हैं, ये कमी लगती मुझे टाटा नेक्सॉन में बहुत बड़ी, आगे से आपको बटन प्रेस करके ही बूट जो है वो ओपन करनी पड़ती है, यहाँ आप अपनी की से कर पाते हो। मैसिव बूट स्पेस मिल जाती है, पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में है, यार पार्सल ट्रे नहीं, पार्सल ट्रे क्रिएटिव में सॉरी, हाँ इसमें पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलती, और साथ में सीट्स भी है वो अनफॉर्चुनेटली आपको फोल्ड ही मिलती है, बेंच फोल्ड, 60-40 रेशो नहीं है। स्पेयर टायर आपको 15 इंचज़ का मिलेगा, ठीक है आप बंद करते हैं इसको बंद और इंटीरियर में चलते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, कोई भी गाड़ी परचेज करोगे मेरे कहने पे इन्वॉल्व 1 के कार परफ्यूम जरूर ट्राई करना। दिस इज द एम्बर फ्लेवर, बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस और समरिश वाइब के साथ आता है, कार्ड मिलता है साथ में, उसमें 2 बार स्प्रे करो और पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस बहुत प्रीमियम फैल जाती है। अफोर्डेबल है, बेस्ट इन सेगमेंट है, लीक बिल्कुल नहीं होते, मेड इन इंडिया, और जैसे नेक्सॉन पे डिस्काउंट है इस पे भी डिस्काउंट है, 10% का कूपन कोड है कार गाइड, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लो मेरे कहने पर।
अगर आप परचेज करते हो इसका प्योर वेरिएंट, तब आपको मिल जाती है एक फ्लिप की, जिसपे लॉक अनलॉक और लाइट की ऑप्शन दी गई है, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स भी इस फीचर मिल जाता है इस वेरिएंट से, और एक मिलती है आपको स्टैंडर्ड की जिसमें कोई बटन नहीं है, टाटा का बड़ा सारा लोगो और बिल्कुल स्टैंडर्ड डिज़ाइन जो होता है वो चीज़ें मिल रही हैं। इसी को अभी हम यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब प्योर वेरिएंट में जो अच्छी चीज़ लगती है, मुझे लगता है कि ड्यूल टोन ट्रीटमेंट आया था, तो ये जो वाइट के साथ उन्होंने थोड़ा सा ब्लैक के टेक्सचर दिया ना, यहाँ पर सीट पे भी आपको ग्रे कलर मिल जाता है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और इवन डोर साइड्स पे भी देखेंगे तो आपको ड्यूल टोन ट्रीटमेंट मिलेगा, और ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे पर्टिकुलरली अच्छी लगी कि हर वेरिएंट का इंटीरियर कम्प्लीटली डिफरेंट है। फियरलेस का हम जानते हैं, यानी कि टॉप का थोड़ा सा पर्पलिश है, बेस वेरिएंट का ऑल ब्लैक है, इसमें आपको वाइट एसेंट्स मिल जाते हैं, तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। फीचर्स कौन से मिलते हैं, अब इसमें ऐड क्या हो जाता है स्मार्ट प्लस के कंपैरेटिवली, और वैसे भी ओवरऑल बताऊं तो यहाँ पर आपको IRVM जो है वो मैनुअल एडजस्टमेंट मिल जाती है, 7 inches की टच स्क्रीन एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले के साथ है, टच बेस्ड आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपके AC के, जो कि अभी ऑन करेंगे तो इसकी लाइट जो है वो ऑन होती है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपको उसके मिल जाते हैं फ़ैन की स्पीड के, यहाँ पर आपको टेम्परेचर के लिए मिल जाएगा, बूट ओपन करने के लिए बटन है, ठीक है, हैजर्ड लैंप्स, लॉक अनलॉक यहाँ से, यानी कि सेंट्रल लॉकिंग यहाँ से होगी, और बाकी AC के कंट्रोल यहाँ से, जैसे ऑफ भी कर सकता हूँ ऑन भी कर सकता हूँ, तो ये टच बेस्ड हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये शीट जो है वो उतरेगी, अभी नहीं उतारते, इस पर पियानो ब्लैक अच्छा ही रहने देते हैं। यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक की फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर मिलेगी। यहाँ पर स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो, लुक्स नाइस, क्लस्टर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया इस वेरिएंट में, स्पेसिफिकली थोड़ा डिफरेंट रखा गया, ऑन ही करना पड़ेगा, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा भी मिलती है, दिखने में काफ़ी बेटर लगता है और पिछली नेक्सॉन से काफ़ी अलग है, तो न्यू क्लस्टर आपको मिल जाता है जो कि डिजिटल आपको फील करवाएगा पूरा पूरा। स्क्रीन थोड़ी छोटी ज़रूर लगती है, बट एटलीस्ट आपकी ज़रूरत पूरी कर देती है, जिस प्राइस में हमें मिल रही है उस हिसाब से ठीक लगता है कि यार अंडर 10 lakhs मुझे क्या चाहिए होता है, वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं एक टर्बो इंजन के साथ। प्योर की ना सीट्स भी डिफरेंट है, अगर आप स्मार्ट या स्मार्ट सीरीज़ में कोई भी लेते हो उनकी थोड़ी डिफरेंट है, प्योर की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो जाती है, कुशनिंग फैब्रिक की क्वालिटी इज़ बेटर, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, साथ में आपको ये डिज़ाइन यहाँ पर मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें इसको स्पेशल बना देती हैं। बाकी ड्राइव मोड्स बेस वेरिएंट से ही हैं, और बेस वेरिएंट से आपको 6 airbags, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड, ये सारे फीचर्स भी आपको ऑफर करती है कंपनी। प्रॉपर आर्मरेस्ट भी है, सॉरी आमरेज नहीं, प्रॉपर कप होल्डर्स भी हैं, यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, आमरेज की कमी महसूस ज़रूर होगी। 6-speed है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इस गाड़ी के बारे में ओवरऑल। बाकी ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हैंडलैम्प सेटअप जो है वो आपको S वेरिएंट, क्योंकि ये सनरूफ वेरिएंट है, यहाँ पर मिल जाता है। ऊपर देखेंगे तो आपको ऑफकोर्स सनरूफ का कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ पर LED लाइट है, सनरूफ का वॉइस इनेबल्ड, यानी कि ओपन सनरूफ, तो वॉइस इनेबल्ड सनरूफ आपको वेरिएंट से मिल जाती है। अच्छी चीज़ ये है कि सनरूफ का साइज़ अच्छा है, बट बुरी चीज़ ये है कि जब आप इस सनरूफ को क्लोज रखते हो, यानी कि आप चाहते हो कि सिर्फ ग्लास ग्लास रहे, तो उस टाइम पे ये जो शीट है ना इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको या तो बंद कर सकते हो या यहाँ तक कर सकते हो, ये इससे पीछे नहीं जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। बाकी आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है इसकी सीट बेल्ट्स, दैट्स अ गुड थिंग, दोनों ही पैसेंजर्स मतलब ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, तो नाइस ओवरऑल सही है पैकेज में अगर देखा जाए तो। व्हाट इज़ योर ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बता दो। रियर में कुछ चीज़ें अच्छी कुछ चीज़ें बुरी, अच्छी ये है कि अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, नी रूम लेग रूम भी बढ़िया मिल जाता है, कंफर्टेबली बैठ पाते हो, हाँ बड़ी SUV वाली फील उतनी नहीं आ पाती, उसके लिए सीट को थोड़ा सा आगे करना पड़ता है, माई हाइट इज़ 5'9". अच्छी चीज़ मैंने बता दी, बुरी चीज़ ये है कि हेडरूम थोड़ा कम हो जाता है। देखो अब मैं सीधा सीधा बैठा हूँ फिर तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपराइट बैठना चाहूँगा तो नहीं बैठ पाऊँगा अगर मैं टर्बन पहनता हूँ या मेरी हाइट लंबी, क्योंकि सनरूफ की वजह से ये ग्रूव आ जाता है यहाँ पर, तो वो थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है ये जो ग्रूव है ना, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। दो हेडरेस्ट है, कप होल्डर आर्मरेस्ट की कमी महसूस होने वाली है, बट इस वेरिएंट में यानी कि प्योर में अगर आते हो तो आपको AC वेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। थोड़ी सी स्टोरेज यहाँ पर भी है, रियर में एक पावर सॉकेट भी होना चाहिए था, रियर पावर आउटलेट लिखा तो हुआ है यहाँ, तो कंपनी ने मुझे ऐसा लगता है डिस्काउंट तो दे दिया लेकिन कुछ फीचर्स कम कर दिए इस गाड़ी में से। अब रियर में लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ प्योर में मिलता है, ये तो प्योर S है, प्योर S में तो प्योर वाले फीचर्स भी होने चाहिए, तो रियर में पावर आउटलेट नहीं है, बस लिखा हुआ है ब्रोशर में, बड़ी गलत बात है यार, ब्रोशर अपडेट करो, ये तो मैंने आज डाउनलोड किया है वेबसाइट से, टाटा मोटर्स सुधर जाओ। सो दिस वॉज द एवरीथिंग यहाँ रियर के बारे में। अब जो चीज़ मुझे थोड़ी सी खटकी है वो ये है कि दो फीचर्स लिखे ब्रोशर में हैं लेकिन इस गाड़ी में अवेलेबल नहीं है, रियर पावर सॉकेट और रियर कनेक्टेड X-Factor LED टेल लैंप्स। मैंने बाकी ब्रोशर भी आगे पढ़ लिया, कहीं पे और भी कनेक्टेड टेल लैंप्स का जिक्र तो मुझे नहीं मिला। प्योर वेरिएंट से शुरू हो जाने चाहिए थे वो, वैसे LED कनेक्टेड टेल लैंप्स लगते कैसे वो तो आपने देख लिए, बट अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि क्यों ऐसा है, क्या कोई और ऐसा फीचर भी है जो लिखा हुआ है लेकिन है नहीं, तो वो चीज़ थोड़ा देखना ज़रूरी हो जाता है। बट एनी वेज द पॉइंट इज़ कि ये वेरिएंट किसको सूट करेगा। देखो मेरे हिसाब से वैसे इस वेरिएंट को आप अवॉइड कर सकते हो, स्मार्ट प्लस S ज़्यादा अच्छा वेरिएंट है क्योंकि उसमें 90,000 आपके बचते हैं
उसमें भी एलईडी आपको हेडलैम्प मिलेंगे, बस प्रोजेक्टर नहीं है, कनेक्टेड टेल लैंप्स तो मिल नहीं रहे। इसका इंटीरियर थोड़ा सा बेटर ज़रूर लगता है, बट 90,000 भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, उसमें ज़रूरत के फीचर सारे हो रहे हैं। उसमें भी सनरूफ है, 7 inches की स्क्रीन है, डिस्प्ले क्लस्टर थोड़ा सा उसका डिफरेंट है, बट अगेन 90,000 बहुत अमाउंट होती है। रूफ रेल्स उसमें मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं, तो फीचर्स का कोई बहुत ज़्यादा फर्क रह नहीं जाता। यहाँ पर आपके लिए प्राइस आफ्टर डिस्काउंट लिख देता हूँ स्मार्ट प्लस एस की और प्योर एस की, और फीचर्स लिख देता हूँ। और ध्यान रखें कि एलईडी एक्स फैक्टर और रियर में पावर आउटलेट नहीं है प्योर में। सो दिस वॉज दी प्योर एस वेरियंट। वट इज़ योर ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूरत है, आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट वेरियंट है। और हाँ, सो एक चीज़ तो रह गई कि आपको गाड़ी लेनी कहाँ से, तो अगर तो आप जलंधर के आसपास एरिया से हो तो कॉस्मो टाटा पे कॉन्टैक्ट जरूर करें, आपको सारी टाटा की कार्स पे जल्दी डिलीवरी, बेस्ट रेट्स, बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस मिल जाएगी। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।